नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द लोटस अर्थात कमल। ये जो पोएट्री है ये तोरु दत्त जी ने लिखी है, जिनका जीवन काल 4 मार्च 1856 से 30 अगस्त 1877 तक का था। तो देखिए, तोरु दत्त इज अ वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज मेमोरेबल। अर्थात तोरु दत्त भारत के एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, जिनका अंग्रेजी में भारतीय लेखन के क्षेत्र में स्मरणीय योगदान रहा है। कंट्रीब्यूशन का मतलब था योगदान। हर फादर वॉज अ रिच मैन ऑफ कलकत्ता। उनके पिताजी कलकत्ता के एक धनवान व्यक्ति थे। हर मदर हैड अ डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू मिथ्स। उनकी जो माताजी थी उनको हिंदू पौराणिक कथाओं की गहरी जानकारी थी। दिस फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाई द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट एंड हैड इम्प्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। यह परिवार पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित था तथा इसने ईसाई धर्म अपना लिया था। बट तोरु दत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। लेकिन तोरु दत्त की भारत के जो महाकाव्य थे एवं जो पौराणिक जो भारत के साहित्य थे उनमें बहुत गहरी रुचि थी। सी रेड द रामायण, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड द भगवत। उन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण तथा पढ़ ली थी। हर इमेजिनेशन वॉज शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासिक्स। उनकी कल्पना शक्ति को इन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों ने आकार प्रदान किया था। शेप का मतलब आकार प्रदान करना। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अर्थात उनका जो साहित्य था भारत की सांस्कृतिक धरोहर से ओतप्रोत है। अबाउट द पोएम, द लोटस इज अ स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। ये जो लोटस कविता है ये एक लघु कविता है जिसे सोनेट कहा जाता है। इट इज ए पेट्रार्कन सोनेट। यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। अर्थात कमल का जो फूल है भारत की देवी देवताओं का एक प्रिय फूल है, सर्वप्रिय फूल है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी दोनों इस फूल से प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइजेज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। वर्तमान समय में बहुत सारे पुरस्कारों के नाम भी लोटस पे रखे जा चुके हैं, जैसे द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण एटसेट्रा। उनमें से कुछ हैं पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इस प्रकार के कुछ पुरस्कार हैं जिनका नाम कमल के फूल पर रखा गया है। पद्म का मतलब कमल होता है। वैसे फॉर तोरु दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। तोरु दत्त के लिए कमल रंगों एवं स्वरूप के सम्मिश्रण की दृष्टि से सर्वाधिक पूर्ण पुष्प रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब मिश्रण होना, किसी चीज़ के साथ उसका तालमेल होना। द पोएट डिस्क्राइब्स ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इस कविता के अंदर कवित्री ने विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, उनका जो डिस्प्यूट अर्थात उनका जो विवाद है उसका वर्णन किया है। द रोज एंड द लिली आर
राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, अर्थात जो गुलाब का फूल है और जो लिली का फूल है उन दोनों फूलों के बीच बेस्ट फ्लावर अर्थात सबसे अच्छा पुष्प होने का एक कॉम्पिटिशन होता है, एक प्रतियोगिता होती है। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लोरा चूज द लोटस एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। लेकिन जो फ्लोरा जो फूलों की देवी है वो कमल के फूल को चुनती है क्योंकि उसकी खूबसूरती उसकी सुंदरता सबसे ज़्यादा है, सुप्रीम है। इसके अंदर जो लिली है जो लिली का पुष्प है उसकी वाइटनेस उसकी सफ़ेदी भी मौजूद है, गुलाब का फूल है उसकी लालिमा भी मौजूद है। सो नाइदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। और इस प्रकार न तो लिली और न ही गुलाब का जो फूल है सौंदर्य की दृष्टि से कमल की बराबरी कर सकते हैं। सिंबोलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स। और इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से कमल की विजय पाश्चात्य जगत पर भारतीय संस्कृति की विजय है क्योंकि लिली एवं गुलाब पश्चिम के फूल हैं। चलिए अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड बी ओ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। प्रेम के देवता फूलों की देवी जो फ्लोरा है उनके पास आए और फ्लोरा से जो देवी है उनसे एक फूल मांगा। उन्होंने फ्लोरा से ऐसा फूल देने के लिए कहा जहाँ जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। इसका मतलब है जो लिली तथा जो गुलाब का फूल होता है दोनों ही बहुत ही समय से इस सम्मानजनक पद को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिद्वंदी बने हुए थे अर्थात उनके बीच कंपटीशन चल रहा था। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स अर्थात महान कवियों ने कुमुदनी तथा गुलाब की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी थी। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर ज्यूनोमैन। जो गुलाब का फूल है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि पीले रंग की कुमुदनी जो फरसा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी जूनो के समान सुंदर है उसके मुकाबले में गुलाब सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंज द स्ट्राइफ इन साइकी बोर अर्थात इस प्रकार मनुष्य के मन के लता मंडप में फूलों के गुटों अर्थात फूलों के दलों के बीच ये झगड़ा चल रहा था। आगे देखिए, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। मुझे गुलाब के फूल की मधुर सुगंध जैसी सुगंध वाला फूल दो और जब कुमुदनी गर्व में होती है तो जैसी शानदार दिखाई पड़ती है वैसा शानदार फूल दो। बट ऑफ वाट कलर, लेकिन किस रंग का दूँ, ऐसा उसने पूछा। रोज रेड, गुलाब की तरह लाल। लव फर्स्ट चूज, प्रेम के देवता ने सबसे पहले लाल रंग को चुना। देन प्रेड, और उसके बाद प्रार्थना की। नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, नहीं कुमुदनी सफ़ेद या फिर दोनों रंगों के फूल दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर प्रेम की देवी फ्लोरा ने कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, जो कि लाल रंग का था और कुमुदनी के फूल की तरह ही सफ़ेद भी था। द क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो सबसे ज़्यादा शानदार फूल था और खिल रहा था। तो इस प्रकार ये हमारी कविता समाप्त हो चुकी है। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।